वालेकुम सलाम वरहमतुल्ला। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह हेलो। वालेकुम सलाम वरहमतुल्ला। जी। मुफ्त साहब, मैं आपकी बात कर रहा हूँ श्रीनगर रावलपुरा से। मुफ्त बहुत अच्छा है। साहब, मैनेजर साहब बात कर रहे हैं जी हाँ जी हाँ। जी। मुफ्त साहब, असल में एक मसला है जो अभी चारों ओर कश्मीर के वादी कश्मीर में फैल रहा है, जो कुरान पाक में से कुछ बाल निकल गया है, उसकी जरा वजाहत सुनना चाहते हैं। बहुत अच्छा। इस सिलसिले में पहली बात ये सुन लें कि आज का दौर दज्जाली दौर है, और इस दज्जाली दौर की खराबियों में से एक खराबी ईमान की कमजोरी, तवहुम परस्ती, शोबदों पर यकीन। और दज्जाली दौर इस वजह से कहा जाता है कि जब दज्जाल आएगा वो इसी तरह के शोबदे दिखाएगा और खटाखट उसको मानने लगेंगे, उसके शब्दों की वजह से उसको खुदा समझने लगेंगे। जी मुसा, ये दौर चूंकि उधरी को जा रहा है, इसलिए आज भी तवहम परस्ती और शोबदाबाजी को लोग इतने अहमियत के साथ ले रहे हैं जैसे कोई बहुत बड़ा वाकया पेश आ गया हो, कोई बहुत बड़ी हकीकत सामने आ गई हो। जी मुसा, चाची, ये जो आप पूछ रहे हैं, पिछले 2-3 दिन से पूरे जम्मू और कश्मीर में, और हो सकता है कुछ दूसरी जगहों पर भी हो, जी मुसा, तमाम उलमा के पास, अक्सर मुफ्ती हजरात के पास और हमारे पास भी बिला मुबालगा अर्ज करता हूँ, सैकड़ों फोन आए। जी मुसा, और लोग कहते हैं कि जी कुरान शरीफ में बाल निकल रहा है, कुछ लोग कहते हैं किसी ने ख्वाब में देखा है, कुछ लोग एक कदम और आगे बढ़कर कहते हैं कि जहाँ अल्लाह के नबी अलैहि सलाम किसी को ख्वाब में आए हैं, जी फिर मुसा, उन्होंने फरमाया है कि ये बाल निकलेंगे तो इनको पानी में डुबो करके वो पानी पियो। अच्छा, उनसे पूछते हैं ख्वाब किसने देखा, कोई कहता है कि जी सऊदी अरबिया में किसी ने ख्वाब देखा, एक साहब कह रहे थे यहाँ गुरेज के जंगलों में किसी घर के अंदर किसी बुजुर्ग ने ख्वाब देखा, एक साहब कह रहे थे जम्मू में किसी खातून ने ख्वाब देखा। जी और इस मुसा, तरह से तमाम लोग इस वक्त इसी सवालों जवाब में लगे हुए हैं। जी इस सूरत हाल में ये बात अच्छी तरह से समझ लें कि इस्लाम में इस तरह के शब्दों की कोई गुंजाइश नहीं है जी मुसा, और न इस पर यकीन रखना सही है। जी इसमें हो सकता है शिर्क का भी खतरा है और हो सकता है कहीं ईमान को भी सख्त तरीन नुकसान पहुंच सकता है। सिलसिले जी मुसा, मुनासिब में पहली बात यह है जी कुरान करीम में बाल का मिल जाना और उस बारे में ये सोचना है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बाल हमारे कुरानों में पहुंच गए, ये तो बिल्कुल हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात अकदस की बहुत बड़ी तौहीन है कि गोया उनके कब्र मुबारक से उनके मुबारक बाल निकल निकल करके दुनिया के कुरानों में पहुंच रहे हैं। जी जी मुसा, ये तो न ये अकल मान सकती है, न ये शरीयत मान सकती है, जी न इस तरह का कभी हुआ है, न कभी हो सकता है और होगा भी क्यों इस तरह से। जी अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम अल्लाह का सारा दीन उम्मत तक पहुंचा करके गए और उसमें खैर और शर की तमाम तफसीलात बयान कर दी गई, कामयाबी और नाकामी की तमाम बुनियादी उसूल बता दिए गए, गुनाहों के नताइज और नेकियों के असरात और उसके समरात सारे बता दिए गए। अब वो उनके मोए शरीफ आकर हमारे कुरानों में पहुंच जाएंगे और उसके बाद फिर लोगों को तंबीह की जाएगी, इसकी कोई हकीकत नहीं है। जी सर, इसलिए हर शख्स ये यकीन रखे किसी इंसान को कोई ख्वाब नहीं बनाया है। इस तरह का कोई इंसान पूरी दुनिया में कहीं नहीं है जो ये कहेगा कि मुझे ख्वाब में आ गया और हुजूर ने फरमाया बालों को पानी में डाल करके पियो। हरगिज नहीं, हरगिज नहीं, ये सरासर झूठ है, ये सरासर किस बयानी है, ये सरासर दज्जल है। जी मुसा, इसलिए जिस जिस को आप बता सकते हो सबको बताइए, इस तरह का ख्वाब किसी इंसान को नहीं आया, ना ये आदमी प्रेस हो सकता है, ये सिर्फ अफवाहबाजी है और ये अफवाहबाजी इस तरह फैल गई है जैसे दुनिया का कोई बहुत बड़ा वाकया हो और सच्चा वाकया हो, ऐसा कुछ नहीं है। जी मुसा, के जरिए से नई तरह की ख्वाबों के जरिए से और बालों को पानी में भिगो करके बीमारियों का इलाज हुआ करता है, ये अकल के भी खिलाफ है, तिबी तजर्बा के भी खिलाफ है और अल्लाह के निजाम के उस निजाम के खिलाफ है जिसमें अल्लाह ताला शानों ने बीमारियों का इलाज और मुसीबतों का मुदावा और गुनाहों पर जब पकड़ आएगी तो उससे बचने के तरीके इन तमाम उसूलों के खिलाफ है। ये किताब बाल को जी बाल जो है वो पानी में उबाला जाए, बाद में उस पानी को पीया जाएगा तो हमारे वहां से बच जाएंगे, हमारे समझ जाएंगे जिसकी करती है हर किसी पर में इस करती है एहतमाम करना चाहिए। हो सकता है यह सुनाई
जो किसी अर्राफ या काहिन के पास जाए और उसकी बातों पर यकीन करे। अर्राफ और काहिन इसी तरह की बातें सुनाते हैं और फरमाया कि जिसने इस तरह की बातों पर यकीन किया उसने उस दीन का इनकार कर दिया था अल्लाह ने उस पर नाज़िल फरमाया है। मन अता अर्राफन अव काहिनन, जो किसी अर्राफ या काहिन के पास आए और उसकी बातों पर यसद्दक हो, उसकी बातों पर यकीन कर, उसने उस दीन का इनकार कर दिया जो अल्लाह ने उस पर नाज़िल फरमाया है। लिहाजा हर शख्स को मुतनब्बे कर दें कि इस पर हरगिज हरगिज कोई एतमाद को यकीन बिल्कुल न करें। जी मसा बेहतर। इस सिलसिले में कुरान करीम की आयत है, अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वइदा जाअहुम अम्रुम मिनल अमन अविल खौफ अज़ाउ बिही वलौ रद्दूहु इला रसूल वइला उलिल अम्र मिनहुम लअलिमहु अल्लज़ीना यस्तमीतूना मिनहु। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के अहद मुबारक में जब इस तरह की अफवाहबाजी किसी ने की तो उस वक्त अल्लाह ताला शानों की तरफ से आयत नाजिल हुई थी जिसमें अल्लाह ताला शानों फरमाते हैं कि जब इस तरह का कोई मामला सामने आए जिसमें खौफ हो, जिसमें परेशानी हो, तो कमजोर ईमान वाले या मुनाफिक लोग जो है उसको बहुत ज्यादा फैलाते हैं, बहुत ज्यादा फैलाते हैं। काश वो इस तरह के मामला को अल्लाह के नबी की तरफ फैलते और जो उलुल अम्र हैं यानी जो इस्लामी ममलकत के सरबराहान हैं या दीन के सही इल्म रखने वाले हैं अगर उन तक ये बात पहुंचा दें तो वो इस समय समझा सकते हैं असल वाकया क्या है। जी सर। तो इस तरह की बातें फैलाना जो है वो हुजूर नबी अलैहिस्सलाम के आयत मुबारक में मुनाफिकों का शेवा रहा है, इसलिए इसे सख्ती के साथ बचना चाहिए और हर न इस पर यकीन रखना चाहिए न इसको आगे न आगे फैलाना चाहिए। अच्छा, इस सिलसिले में ये बात भी ध्यान रखनी चाहिए कि साहब किसी को कुरान में खोल करके बाहर नजर आ गए तो फिर क्या हुआ, ये कोई अजीब बात नहीं है। इंसान कभी तिलावत करते करते खुजलाता है, बाल उसमें गिर गया, और इसी तरह से कभी कुरान शरीफ खोल के तिलावत की जा रही थी कोई बाल उड़ करके गिर गया, मिल भी सकता है नहीं भी सकता है। अगर किसी को वाकई कुरान में कहीं बाल नजर आ गया और उसके बारे में उसने ये समझा कि वाकई अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का कोई बाल मुबारक यहाँ पहुंच गया है, ये तो बहुत खतरनाक बात है। इसलिए खतरनाक बात है कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने कोई वो बात मेरी तरफ मंसूर की जो मैंने नहीं कही है उसका ठिकाना जहन्नम है। अब हम एक ऐसे बाल को जो यहाँ हमारे कुरान में मिल गया उसको हम मंसूब करेंगे ये अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम का मौईद मुबारक है, ये तो बहुत खतरनाक है। अब ये पता नहीं यहाँ कहाँ से किस आदमी का बाल उड़ करके कहीं क्लासरूम में गिरा है, कहीं किताबों में गिरा हुआ है और हम इसको मंसूब करेंगे अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की तरफ, तो बहुत बड़ा खतरा है कि तुमने हुजूर की तरफ वो चीज मंसूब की जो हुजूर की थी ही नहीं। जी बिल्कुल। इसके बाद जिन लोगों ने ये पानी में डाल डाल करके ये पिए हैं उनको तौबा करनी चाहिए। एक ऐसी चीज जिसकी कोई हकीकत नहीं है उसके बारे में उन्होंने अकीदा बांध दिया कि इसके जरिए से हम वायरस से बच जाएंगे और उसके जरिए से हमारा इलाज होगा, तौबा करनी चाहिए और हो सकता है इसमें शिर्क का भी खतरा हो। जी, हमारे तमाम उलमा इस सिलसिले में जवाब दे रहे हैं और मुझसे भी बहुत सारे भाइयों ने पूछा, मैं भी कहीं मुख्तसर कहीं तफसील से जवाब देता रहा और खुलासा ये है कि आप समझ लें अच्छी तरह से ये तरह का सारा तवहम परस्ती है, ये तमाम के तमाम शोबदाबाजी है, इसकी कहीं कोई हकीकत नहीं है, इस पर एतमाद करना भी सही नहीं है और अल्लाह के नबी अलैहि सलाम के मौईद मुबारक इस तरह से घरों में पाए जाने वाले कुरानों के अंदर अगर पहुंचने लगे तो दुनिया में तो सारी दुनिया में मुसलमान बसते हैं, ये सिर्फ कश्मीरी के लिए क्यों आ रहे हैं ये मौईद मुबारक। इस तरह का अकीदा रखना भी सख्त खतरनाक है और जो आदमी भी पूछ रहा है सख्ती के साथ मना कर दीजिए, सख्ती से इनकार कर दीजिए और अगर किसी को वाकतन वहम हो रहा है कुछ ना कुछ है, कुछ ना कुछ है, ये अलामत है कि ईमान कमजोर है, कमजोर ईमान ही के नतीजे में इस तरह की तवहम परस्ती पर ऐसा यकीन होने लगता है। तो ईमान पुख्ता होगा तो इस तरह की कमजोर बातों पर कभी पुख्ता ईमान वाला ध्यान दे ही नहीं सकता है। कयामत के अलामतों में से यह है कि जो लोग कमजोर ईमान वाले होंगे वो खटाखट दज्जाल को खुदा मानेंगे, यही इससे समझ में आता है कि तवहम परस्ती की बुनियाद पर लोग क्या क्या अकीदे रखने लगते हैं। बहरहाल मैं तकरीबन सारी बातें अर्ज कर चुका, आप अपने दोस्तों से अपने भाइयों से जिन जिन को बता सकते हो जरूर बताएं और इस सिलसिले में अभी अंदाजा हो जाएगा चंद दिनों के बाद ये पता चल जाएगा ये सारी हकीकत कुछ भी नहीं थी। आपको नहीं मालूम होगा कि आज से 10-15 साल पहले भी यहाँ वादी कश्मीर में यही फैली थी और उस वक्त भी बस लोग यही कहा करते थे कि साहब कुरान में बाल निकल गया, कुरान में बाल निकल गया और कुरान में बाल गिर गया होगा तो निकल गया, अब उससे क्या करना है, उससे कौन सा क्या अल्लाह का निजाम थोड़े बदल जाएगा और दुनिया इंसानों के आमाल पर जो अल्लाह के फैसले आएंगे खैर के या परेशानियों के फैसले वो बालों के निकलने से बदलने वाले थोड़ा ही हैं। इंसान को सुधरना चाहिए, उसको ईमान और अखलाक और आमाल पर खड़ा होना चाहिए और बुरे कामों से बचना चाहिए, जो अल्लाह और अल्लाह के नबी ने काम से बचना चाहिए वो तो करने को तैयार नहीं है।
कुरान खोलकर पढ़ने को तैयार नहीं है, कुरान में से बाहर निकलेगा उसको पानी में डाल करके फिर उसे शिफा पाएंगे, ये कैसे हो सकता है? कुरान करीम में तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि कयामत के दिन अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम फरमाएंगे, या अल्लाह मेरी कौम ने मेरा कुरान छोड़ दिया था। ये तो सारा मंजर वही है कि आज का मुसलमान कुरान को खोलने को तैयार नहीं, उसको पढ़ने को तैयार नहीं, उसको समझने को तैयार नहीं, उस पर अमल करने को तैयार नहीं। हाँ, उसमें बाल ढूंढ रहा है, बाल मिल जाएगा तो मैं पीऊंगा और उसके बाद फिर कोरोना वायरस वगैरह से बच जाऊंगा। हर गिज नहीं है, सारे सारा हम बसी है। और आप अपने दोस्तों को जिनको बता सकते हो जरूर बताए, अल्लाह हिदायत अता फरमाए, ईमान की तस्दीक अता फरमाए और इस तरह के शोरबों से मुतासिर होने से महफूज फरमाए और इस तरह की तमाम बस्ती का शिकार होने से। जज़ाकअल्लाह मुख्तार, जज़ाकअल्लाह।